हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीटी केमिकल टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर, उसमें आज का जो लेक्चर हम लेकर आए हैं वो उसमें आपको यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग करके बताएंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं लगाएंगे, वीडियो को शुरू करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, आपको पता है कि यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CONH2J क्या होता है, अणुसूत्र। इसका और जो मॉलिकुलर वेट होता है वो आपका 60 होता है, ठीक है। और इसका जो और इसका प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसको बनाया कैसे जाता है, तो आप देखिए। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको बनाते हैं तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, NH3 लेते हैं प्लस CO2 लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर NH4 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, CO CO NH4, ठीक, NH2, ठीक। उसके बाद आप क्या होगा, इसको क्या करेंगे, इसको जल के साथ क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। तो उसके बाद आपका जल के साथ क्रिया कराएंगे तो जल सॉरी इसको गर्म करेंगे तो इसके आपका क्या होगा, जल अलग निकल जाएगा। और CO2 से आपका क्रिया कराएंगे तो जल अलग निकल जाएगा और आपका क्या होगा, अमोनिया यहाँ पर क्या होगा, आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले आपका क्या करोगे, अमोनिया का हम NH3 का 3 से 5 मोल लेंगे अमोनिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 मोल क्या लोगे, CO2, ठीक है। अमोनिया क्यों लेती है 3 से 5 मोल, वो एक्सेस में रहता है क्योंकि वो बार बार निकलता है प्रोसेसिंग में, बार बार लौट के बार बार आता है, ठीक है। जैसा कि आपको हम आगे बताएंगे कैसे क्या होता है, इसलिए लेते हैं। और कार्बन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 वन मोल लेते हैं। ये क्या करता है, क्रिया को छनन करता है, क्रिया को जो क्रिया होती है उसको छनन करता है, इसलिए 1 मोल इसको लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कंप्रेसर लगे हुए हैं, कंप्रेसर, तो कंप्रेसर का काम क्या होता है, इन गैसों को क्या करता है, कंप्रेस करने के बाद आपके दोनों गैसें क्या किस में जाती है, ये रिएक्टर लगा हुआ है, ये रिएक्टर है, रिएक्टर में आपका जाती है। तो रिएक्टर में आपका क्या होता है, यूरिया का सिंथेसिस होता है ऑटोक्लेविंग। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले आपकी क्या प्राप्त होती है, NH4CEOONH2 आपकी प्राप्त होती है, अमोनियम कार्बोनेट लगभग प्राप्त होती है। उसके बाद आपका क्या होता है, इसमें ये जल क्यों प्रवाहित किया जा रहा है, इसको जल से ठंडा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर इसका हाई होता है, तो ये कम से ये फट ना जाए, पेपर फट ना जाए, जो रिएक्टर है फट ना जाए, इस वजह से आपको इसको बार बार ठंडा करते रहते हैं जल डालकर, ठीक है। तो इसमें आपका टेम्परेचर रहता है 185 डिग्री टेम्परेचर से 120 डिग्री टेम्परेचर तक, लगभग मिनिमम इसका 185 डिग्री टेम्परेचर होता है, और 100 से 120 क्या होता है आपका ATM मतलब प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये होता है, इससे यहाँ पर आपका कितनी यूरिया, यहीं पर यूरिया बनती है, आगे प्रोसेसिंग पर कहीं भी यूरिया नहीं बनती है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 37.7% लगभग यहाँ पर आपकी वो यूरिया आपकी बनकर तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, ये आपका क्या लगा है, ये आपका मेंटेनर लगा हुआ है। ये क्या होता है, जैसे आपको घर में सप्लिंग पाइप पानी की सप्लाई आती है, उसमें आपको पानी को रोकने के लिए एक वो बाल का यूज करते हैं, ऐसे यहाँ पर हमें जितनी भी सप्लाई चाहिए यहाँ से सप्लाई कर सकते, इसलिए ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये स्टीम लगा हुआ है, स्टीम का क्या कार्य है, ये टेम्परेचर को मेंटेन रखे, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा मेंटेन रखेगा। फिर उसका आपका क्या होता है, एवापोरेटर, फ्लैश एवापोरेटर में क्या होता है, 140 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से इसका टेम्परेचर आ जाए, यहाँ पर क्या होता है इसका 140 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पर हाई टेम्परेचर की कोई भी वस्तु आएंगी वो यहाँ पर कोई भी जो आपका जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, ठीक है, तो इसमें जाएगा तो उसका टेम्परेचर गिरेगा और दाब इसका यहाँ पर था 100 से 120 और यहाँ पर क्या हो रहा है 127 हो रहा है, ठीक है। तो 27 हो रहा है फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी आपके जो टेम्परेचर में जो प्रोडक्ट बनकर आएगा तो वो क्या होगा, वेफर फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। सो ये आपका वेफर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेफर फॉर्म का मतलब होता है बाष्प बनकर ऊपर उड़ जाना, ठीक है। तो ऊपर उड़ जाने के बाद ये वापस से ये प्रोसेसिंग में दोबारा से यहाँ पर आता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसेसिंग होती है, आपकी स्टीम लगी हुई है, जो यूरिया बन जाती है और जो वेफर फॉर्म में चले जाते हैं वो तो ऊपर चले जाते हैं, और जो यूरिया आपकी बनती है वो नेक्स्ट प्रोसेसिंग में यहाँ पर स्टीम में इसको फिर से क्या किया जाता है, इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पर ये आपको मैंने बता दिया पिछले में कि ये इसको मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, फ्लास्क ड्रम में जाता है, इसका जो प्रेशर रहता है वो आपका बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर प्रेशर रहता है, इसका 1 ATM प्रेशर रहता है। तो इसका क्या होता है, इसमें से आपकी जो मैंने बताया था NH3 जो एक्सेस में रहती है वो एक्सेस में इसीलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे एक्सेस से चली जा रही है, NH3 यहाँ से निकल गई, और ये CO2 क्या होता है, क्रिया को छनन करने के लिए रहता है, इसीलिए साथ में ये भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका
यहाँ पर ये निकल आ गया, उसके बाद आपकी जो अमोनिया होगी उसको क्या करा जाए लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर कितनी प्राप्त हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होगी 80%। उसको किस में करना है हमें, क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए, इसका क्रिस्टल फॉर्म में करने के लिए इसका क्या करेंगे, इसको दोबारा से क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, मेंटेन करने के बाद इसको क्रिस्टलाइजेशन में वैक्यूम इवेपोरेटर में ले जाएंगे। इसका टेम्परेचर क्या होता है, 135 डिग्री टेम्परेचर होता है और 60 इसका जो मरकरी होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका 60 mm जो होता है इसका, ठीक है, वो ATM होता है, दाब होता है इसका ATM, ठीक है, ATM और HG, इसमें मरकरी भी होती है। तो आपके यहाँ पर क्या होता है 99.7% क्या होता है वो लिक्विड फॉर्म से वो वेपर मतलब इसका जल निकल जाता है और आपको बिल्कुल क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में मतलब गाढ़ापन में आपको ये क्या प्राप्त हो जाती है, यहाँ पर यूरिया 99.7% लगभग प्राप्त होती है, हमने 99 ही लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर प्राप्त होती है। उसके बाद आपका क्या होता है, यूरिया कहाँ जाती है, पिलिंग टावर में, पिलिंग टावर आपने देखा होगा जैसे इंडस्ट्रीज में आपकी लंबे लंबे ऊपर से वो गोल टाइप के आपके गोल टाइप के लगे होते हैं लंबे से, वो उन्हें पिल्डिंग टावर कहते हैं। पिल्डिंग टावर क्या होता है, ये आपका आपने देखा होगा जैसे आपके घरों में पानी या नहाने के लिए जाते हैं तो उसमें एक छोटा सा वो लगा होता है पानी, जो आपको बारिश होते थे ऐसे झरने झरना झरना बोलते हैं, ऐसी झरना लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसका क्या काम होता है, जो कि आपकी जो इसमें प्योर आपको यहाँ पर लिक्विड जो कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमें प्योर 100% उसका जल निकालना होता है, बट यहाँ पर आपका क्या है 100% जल नहीं निकला है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर झाड़ेंगे, जैसे इसी ये नीचे टपक आएगी जो ऊपर से टपकने वाली जो भी जैसे बारिश होती है आपकी, उसका बारिश होती है ऊपर से बूंद गिरती है उसका पृष्ठनाभ के कारण वो कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है, ठीक है, ऐसे ही ये ऊपर से गिर रही है तो इसका ये गोल गोल निकलेगी, वो क्रिस्टलीय फॉर्म में हो जाएगा। तो नीचे से हम क्या करते हैं, वो हॉट है, हॉट ऊपर गिर रही है, गर्म गर्म ऊपर से गिर रही है, तो इससे हम नीचे से क्या करेंगे कूलर एयर लगा देंगे, कूलर एयर जो कि ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पर एक आपका ये इकट्ठा करने के लिए कोई बू लगा होता है, जो जाली से लगी होती है उसको इकट्ठा करने के लिए, ऊपर से यहाँ से कूलिंग एयर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर जो गर्म गर्म गिर रहा है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद क्या होगा आपका, यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होने के बाद आपका क्या होगा, बोरियों में पैक करके ये आपका भेज दिया जाता है, गोदामों में भेज दिया जाता है। तो ये है आपकी सिंपल सी प्रोसेसिंग, ये है फ्लोशीट। आपको इसी फ्लोशीट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कहां पर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो और वहां से आप क्वेश्चन को पूछ लें, ठीक है। तो आपका ये आज की यूरिया है, यूरिया आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया करके दिखाया। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं कौन सा लेक्चर लेके आते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।